डाक विभाग द्वारा मनाए जा रहे विश्व डाक सप्ताह के तहत बुधवार को प्रधान डाकघर गोलघर में फिलेटली दिवस मनाया गया। इसके अंतर्गत विभिन्न स्कूल के बच्चों एवं अन्य ग्राहकों द्वारा डाकघर की विजिट की गई और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े सभी व्यक्तियों व घटनाओं पर आधारित फिलेटली डाक टिकट प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। इस दौरान सभी बच्चों को फिलेटली के लाभ और महत्व के बारे में बताया गया। इस अवसर पर फिलेटली क्विज का आयोजन भी किया गया जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रवर अधीक्षक डाक मनीष कुमार ने कहा, कितना अच्छा लगेगा। जैसे आप है, हम लोगों ने कई विधायक हैं या मेयर हैं या और कई लोगों का हम लोग समय समय पर करते रहते हैं, ठीक है। तो माय स्टैंड की सीट 300 रुपए में मिलती है जिसमें 12 रुपए के 5 रुपए के 12 टिकट उपलब्ध रहते हैं जिसमें एक तरफ आपका फोटो रहेगा और एक बगल में उसके टिकट रहेगा। उस पूरे सीट को आप डाक के प्रेशर में भी उपयोग कर सकते हैं। इसलिए डाक टिकट पे है तो डाक टिकट पे भी कुछ चीजें आपको, डाक टिकट है डेफिनेटली पोस्टल स्टैम्प खरीद के 5-5 रुपए का आप उस पे लगाते हैं चिट्ठी में या रजिस्टर करते हैं तो लगता है। अभी डाक विभाग में विश्व डाक सप्ताह मनाया जा रहा है जो कि 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच मनाई जा रही है। इन सप्ताह में प्रत्येक दिन किसी न किसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उसमें 13 अक्टूबर फिलेटली दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिलेटली दिवस के दिन हम लोग कई सारे कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में मना रहे हैं जिसमें कि गोरखपुर मंडल में आज यहाँ पे डाक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य उसका जो थीम था कि जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं और स्वतंत्रता से संबंधित जो जो कार्यक्रम हुए हैं उन पे जो डाक टिकट जारी की गई है उस डाक टिकट की प्रदर्शनी की गई। इस डाक टिकट प्रदर्शनी में विभिन्न सरकारी स्कूल एवं प्राइवेट स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट किए और उन्होंने डाक टिकट के बारे में और उसके संग्रह के बारे में, उससे होने वाले फायदे के बारे में उनको जानकारी दी गई जिससे कि वो भविष्य में डाक टिकट संग्रह एज ए हॉबी डेवलप कर सकें। इसके अलावा एक हमारा क्विज़ का आयोजन किया जा रहा है जो भी चल रहा है, उसमें जो प्रथम द्वितीय और तृतीय होंगे उनको पुरस्कार दिया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि डाक टिकट संग्रह की जो उपयोगिता है और जो लाभ है उसके बारे में आम जनमानस को जानकारी दें।